बलरामपुर पुलिस अधीक्षक श्री केशव कुमार के निर्देशन में जनपद में अपराधों की रोकथाम व वांछित वारंटी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती नम्रता श्रीवास्तव व क्षेत्राधिकारी ललिया श्री राधारमण सिंह के पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री अजय कुमार पांडे के कुशल नेतृत्व में 4/9/2023 उप निरीक्षक घेराव राम मई हमराह अमित कुशवाहा व हेड कांस्टेबल महीप कुमार शुक्ला व उपदेश सिंह द्वारा धारा 380, 445, 457, 411, 413 से संबंधित चोरी किए गए मामले के साथ फकीरी डीह तिराहे से अनिल कुमार उर्फ पोले पुत्र कल्लू निवासी सिंहरौरा गुलरिहा थाना हरैया जनपद बलरामपुर तथा मोहम्मद फैसल पुत्र नसीम निवासी कस्बा महाराजगंज तराई थाना महाराजगंज तराई जनपद बलरामपुर को उसकी दुकान से गिरफ्तार किया गया। मामला ये है कि एक साल में 3-4 बार चोरी होते, घंटा का गल्लक काट जाते, दान पत्र के बक्सा ताला काट जाते और एक हम कार्रवाई ललिया थाना पर देते, लेकिन कोई सुनवाई हो नहीं पाते। ये नाते चोरों का हौसला बुलंद है। अच्छा, आज रात में चोरी हुआ है? आज रात में हुआ है। कितना घंटा था? 4 घंटा था। कितना वजन का रहा होगा 4 घंटा? लगभग 5-6 किलो का। 5-6 किलो का। और इससे पहले कब काट गया है? ये 6 महीना पहले। और उससे पहले? उसके पहले 3 महीना पहले। अच्छा, तो सूचना लगातार थाने दिए हो? जी। हरिद्वार में ड्रग्स विभाग व एसओजी टीम लक्सर पुलिस प्रशासन ने संयुक्त रूप से लक्सर व सुल्तानपुर आदमपुर नगर पंचायत में मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की है। इस दौरान ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने सुल्तानपुर आदमपुर में स्थित मेडिकल स्टोर संचालक सलाउद्दीन को नशे के कैप्सूल्स टैबलेट व इंजेक्शन बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि हरिद्वार ड्रग्स इंस्पेक्टर अनीता भारती व एसओजी टीम संयुक्त रूप से लक्सर के बहादुरपुर गांव में छापेमारी करने पहुंची, जिसमें ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने बताया कि एसओजी को शिकायत मिल रही थी कि लक्सर व सुल्तानपुर में कई मेडिकल स्टोर पर नारकोटिक्स दवाइयां बेची जा रही हैं, जिसे लेकर आज ड्रग्स इंस्पेक्टर अनीता भारती व एसओजी लक्सर पुलिस विभाग ने संयुक्त कार्यवाही की है, जिसके बाद ड्रग्स इंस्पेक्टर अनीता भारती ने लक्सर के सुल्तानपुर आदमपुर नगर पंचायत में भी एक मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की। इस दौरान सुल्तानपुर आदमपुर स्थित मेडिकल स्टोर से नशे के कैप्सूल्स व टैबलेट सहित 71 नशे के इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। जो है मॉर्निंग टू इवनिंग आप पूरा हम लोगों ने पुलिस के साथ एंटी नारकोटिक टीम और सीओ लक्सर जी के निर्देशन पे सारे पुलिस टीम मेरे साथ थी, तो कुछ लोगों की शिकायतें थी जो कि नारकोटिक दवाइयां बेच रहे हैं और कहीं कहीं कुछ स्पूरियस दवाइयों की भी शिकायतें हमारे पास थी। तो आज जो है पूरे दिन काम करने के बाद अभी हमें सफलता मिली है और एक कंप्लेन आई थी सलाउद्दीन नाम का एक व्यक्ति जो कि सुल्तानपुर पे नशे का कारोबार कर रहा था और वो अभी मेरे द्वारा जो है पुलिस टीम के साथ पकड़ लिया गया। रायबरेली वित्त विहीन विद्यालय संगठन एवं कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दोनों संगठनों द्वारा विभिन्न विद्यालयों के लगभग 100 शिक्षकों को मंच के माध्यम से पुरस्कार व सम्मान देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रायबरेली के DIOS श्री ओमकार राणा जी रहे। रायबरेली वित्त विहीन विद्यालय संगठन के प्रबंधक धर्मेंद्र सिंह चौहान जी ने बताया कि सरकारी शिक्षकों का सम्मान तो सरकार करती रहती है, किंतु प्राइवेट शिक्षकों के लिए सरकार के पास कोई भी सम्मान करने की व्यवस्था नहीं है। अतः आज मंच के माध्यम से इतना बड़ा आयोजन कर विभिन्न विद्यालय के शिक्षकों को सम्मानित किया गया है कि शिक्षा में जहां सरकार सरकारी बजट से कितना पैसा खर्च कर रही है और नतीजा क्या आ रहा है, प्राइमरी जूनियर स्तर पे कितने विद्यालय संचालित हैं और शिक्षा का स्तर क्या है। मैं सरकार से आप लोगों के माध्यम से मांग भी करता हूं कि वित्त विहीन विद्यालयों से जुड़े शिक्षकों को एक उचित मान दे सरकार दे, जिससे कि इनकी भी रोजी रोटी घर गृहस्थी भी चल सके। जहाँ ये कम पैसे में शिक्षा देने का काम करते हैं, अच्छी शिक्षा देने का काम करते हैं, वहीं इनकी घर गृहस्थी को चलाने की भी जिम्मेदारी ये सरकार की बनती है। मैं ये आप लोगों के माध्यम से आह्वान भी करता हूँ, मांग भी करता हूँ।
उत्तराखंड उधम सिंह नगर में खंड विकास अधिकारी कार्यालय में आज तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी उदयराज सिंह भी मौजूद रहे। इस मौके पर बोलते हुए जिलाधिकारी उदय सिंह ने बताया कि आज सभी विभागों के कर्मचारी अधिकारी यहां पर मौजूद हैं। तहसील दिवस का मुख्य उद्देश्य जनता की समस्याओं को हल करना है, जो कि राज्य सरकार की भी प्राथमिकता है। इसलिए आज सभी कर्मचारी अधिकारी तहसील दिवस गदरपुर पहुंचे हैं। अभी तक 30 समस्याएं सामने आई हैं, जिन्हें मौके पर निस्तारित किया गया है और बाकी समस्याओं को एक सप्ताह के भीतर सुलझाने के आदेश अधिकारियों को दिए गए हैं। इस मौके पर बोलते हुए गुंजन सुखीजा, भाजपा जिलाध्यक्ष, ने कहा कि धामी सरकार का उद्देश्य जनता की समस्याओं को हल करना है। इसके लिए अधिकारी वर्तमान में जगह जगह तहसील दिवस के माध्यम से समस्याओं को हल कर रहे हैं। मैंने तीन समस्या यहाँ पे दी है अपने ग्राम पंचायत लखनऊ की। जो हमारी मूल समस्या है वो हमारे गांव से गंदा नाला बहता है, जिसमें नगर पालिका क्षेत्र का करीब 60% पानी गंदा पानी बहता है। तो माननीय जिलाधिकारी महोदय जी ने उसमें आश्वस्त किया है कि इसमें हम पूरा तो नहीं बना पाएंगे, लेकिन शिफ्टों में करके आपका ये वाला काम करवा दिया जाएगा। और दूसरी समस्या मेरी, हमारा पंचायत घर क्षतिग्रस्त हो गया है और उसके लिए भी उन्होंने, माननीय जिलाधिकारी जी ने हामी भरी है कि आपका जो क्षतिग्रस्त पंचायत घर है इसकी मरम्मत का ही पैसा दे दिया जाएगा। तो क्या आप संतुष्ट हैं जनता दरबार से? हाँ, मैं जनता दरबार से संतुष्ट हूँ। राजस्थान के छीपा बड़ोद थाना परिसर में थानाधिकारी कल्याण सिंह चौधरी की अध्यक्षता में सीएलजी सदस्यों के साथ कानून व्यवस्था और आपस में भाईचारा बनाए रखने तथा शांति सौहार्द कायम रखने को लेकर बैठक आयोजित हुई, जिसमें राजस्थान मिशन 2030 को लेकर सभी सीएलजी सदस्यों, सुरक्षा सखियों और ग्राम रक्षकों से मिशन 2030 को लेकर अलग अलग सुझाव मांगे गए। इस दौरान सीएलजी सदस्यों ने अपने अपने विचार भी रखे और छीपा बड़ोद पुलिस थानाधिकारी कल्याण सिंह चौधरी व एएसआई नंद सिंह हाड़ा ने सभी सीएलजी सदस्यों को सुझाव फॉर्म भरने के लिए दिए, ताकि अपने अपने सुझाव साझा कर सके। इस दौरान बैठक में राजस्थान सरकार द्वारा कराए जा रहे फेस टू फेस सर्वे का प्रपत्र दिया गया, जिसमें राजस्थान को देश में नंबर एक राज्य बनाने संबंधित सुझाव मांगे गए हैं, कैसे क्या सुधार किए जाएंगे। बैठक में पूर्व सरपंच गजेंद्र जैन, यूसुफ भाई, मती उर रहमान, अजहर खान, अनीस, कुलदीप सिंह सिरोहिया, नंदन गोयल सहित अन्य जन उपस्थित रहे। आगामी त्योहारों को लेकर शांति व्यवस्था, अतिक्रमण हटाने सहित विभिन्न विषयों पर भी चर्चा की गई। एमपी में वन मंडल गुना अंतर्गत परिक्षेत्र राघोगढ़ में बीट विजयपुर में स्टेट हाईवे के किनारे ग्राम की चरनोई वन भूमि रकबा लगभग 20 हेक्टेयर में स्थानीय सपेरा, कालबेलिया एवं कुछ बाहरी भील समुदाय द्वारा प्रतिवर्ष उनके परिवार की महिलाओं एवं बच्चों को लेकर आगे कर कब्जा जमाने के प्रयास किए जाते हैं। 2021 में इसी भूमि पर इन महिलाओं द्वारा एक अवैध देवस्थान और 25 झोपड़ियां बनानी थी, जिन्हें तोड़ने हेतु सर्वप्रथम उक्त महिलाओं पर सीआरपीसी 151 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई। तत्पश्चात तत्समय ही जिला प्रशासन के सहयोग से पुलिस बल एवं कार्यपालिका दंडाधिकारी की उपस्थिति में उक्त झोपड़ियों एवं अवैध देवस्थान को गिराकर वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया था। इस वर्ष पुनः यहां सपेरा समुदाय की महिलाओं द्वारा अतिक्रमण का बारंबार प्रयास किया गया। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।